सीआईएसएफ का जवान आया छुट्टी पर और अपनों को किया लहूलुहान। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर थाना तिलहर का ग्राम गुरगवा की बिमला देवी पत्नी शेरपाल का अपने चचेरे देवर जेठ से मकान का विवाद 2 माह से चल रहा था, लेकिन जब तिलहर की पुलिस ने न्याय नहीं किया तो बिमला का पुत्र विजय सिंह तिलहर में पानी की टंकी पर चढ़ा। उस समय चौक कोतवाली के इंस्पेक्टर बालियान तिलहर में थे और पीड़ित को भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा और मुलजिमों पर कार्यवाही होगी, लेकिन विजय सिंह का कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिला। और आज उन्हीं लोगों ने तलवार से परिवार को काट डाला। मामला 11 अगस्त का। विजय सिंह का कहना है कि सौदान सिंह, जो कि सीआईएसएफ में है और छुट्टी पर आया था, 11 तारीख को सौदान सिंह, गुपेश सिंह, राजपाल उर्फ रोहित और वेदपाल आदि लोगों के घर में बर्थडे पार्टी थी। इन लोगों ने जमकर डीजे बजाया और शराब पीकर मेरे मकान में चढ़कर बिमला और उसका पुत्र विजय सिंह, अजय सिंह, श्याम पर हमला कर दिया और तलवार से हमला किया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन तिलहर की पुलिस मामले को दबाती रही। उस समय पूरा मामला खुला जब पीड़ित परिवार ट्रामा सेंटर पर न्याय न मिलने पर रो रहा था। तब जानकारी ली तो पूरा मामला खुला, लेकिन पुलिस ने अभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उधर घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला ब्यूरो चीफ संदीप कुमार राठौर की रिपोर्ट। पहले आप तिलहर में पानी की टंकी पे भी चढ़े थे? जी। क्यों चढ़े थे? सर, मैं पानी वाली टंकी पर चढ़ा था सर, मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला सर। मैं पानी वाली टंकी पर चढ़ा था सर, हरपाल सिंह बनियान। उस वक्त 3 लोगों के खिलाफ चढ़े थे जिन लोगों ने हमला करा? जी सर, इन लोगों के खिलाफ चढ़े थे सर, जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी। चाचा हैं, पड़ोस वाले चचेरे ताऊ हैं मेरे, उनसे लोगों से हुआ था और उन्हीं की खातिर चढ़े थे सर। इन लोगों ने मुझे उतार लिया था, हरपाल सिंह बलियान। उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हारी हर एक चीज़ दिलवाऊंगा, न्याय दिलवाऊंगा तुम्हारा। इन लोगों ने मुझे उस तरीके से उतार लिया और मेरा कोई भी न्याय नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। और आज इन लोगों की बदौलत से ये लोग कानूनी कार्रवाई कर देते तो ये मेरे ऊपर ये नौबत ना आती। कल 11 बजे इन लोगों ने चढ़कर दारू पीकर इन लोगों ने मेरी माँ, मेरे भाई अजय, विजय और मम्मी के साथ इन लोगों ने सौदान सिंह ने हथियार से, मतलब उस समय अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो ये घटना नहीं होती। ये घटना नहीं होती सर, पुलिस ने उनको छोड़ दिया। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? सर हम मानते हैं सर पुलिस की। बताओ क्या हुआ था, किस बात को लेके झगड़ा हुआ? भैया हमने ऊपर थे, बोले सब लोग चढ़ गए और इसे लगे जाए कि बच्चे ने मारो, हमें बोले तलवार हाथ में डंडा, इन लोगों ने सब ने मारो। राजपाल सौदान को केस, सब लोग बेटा हमने हमारे जब लग गई चोट, फिर हमें होश ही नहीं रहा किसने कहा गया। पुराना विवाद चल रहा था? हाँ, तो ये बताओ इतने लोग घायल हुए, पुलिस नहीं पहुंची थी? पुलिस तो फोन बाद में करो तब आई पुलिस। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज हुई आपकी? पता नहीं रिपोर्ट में पता नहीं दर्ज हुआ कि नहीं। तो भैया भाई अभी किसी ने सिर्फ सुनवाई नहीं की। तो विवाद की जड़ क्या है, किस बात को लेकर ये लोग झगड़ा कर रहे हैं? सर हमारे घर पर जबरदस्ती सब सब कुछ हुआ और क्या है, वो जबरदस्ती हमारे लड़का ने घर बनवाए लो, कह रहे तुमने बनवाए क्यों लो, हम तो रहन ना दे, हम तेरे घर पर कब्जा करें। मेन आदमी कौन है? रुपेश, रुपेश सौदान, रुपेश राजपाल, लता, गुपेश